क्या आपको दिन भर में पेशाब बहुत कम आता है, लेकिन जब आप रात को गहरी नींद में होते हैं तो आपको अचानक से पेशाब करने की इच्छा होने लगती है और ऐसा कई दिनों से हो रहा है, तो सावधान हो जाइए क्योंकि ऐसा किडनी खराब होने का साफ साफ संकेत है। दोस्तों, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी किडनी हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। हम पहले ही इस बारे में अपनी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है और कैसे काम करती है, लेकिन हम फिर एक बार बता देते हैं कि किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों, हमारी किडनी शरीर में बहने वाले रक्त को अपने नेफ्रॉन्स की मदद से शुद्ध करती है और फिर उसे दिल की मदद से हमारे पूरे शरीर में पहुंचा देती है। किडनी और दिल का ये काम पूरे दिन और रात चलता रहता है। इसका मतलब साफ है कि किडनी 24 घंटे काम करती है, जिससे हम हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं और शरीर का शारीरिक विकास बिना किसी रुकावट के होता है। किडनी रक्त शोधन के अपने इस काम के दौरान रक्त में जमा सभी अपशिष्ट उत्पादों और गैर जरूरी रासायनिक तत्वों को रक्त से अलग कर देती है और फिर उन्हें पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। किडनी के इस महत्वपूर्ण कार्य की वजह से शरीर में रासायनिक संतुलन बना रहता है। इतना ही नहीं, किडनी हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है और साथ ही रेड ब्लड सेल्स को भी बनाती है। इसके अलावा किडनी स्किन को भी अच्छी बनाने का काम करती है, लेकिन समस्या तब आती है जब किसी कारण की वजह से किडनी की कार्य क्षमता कम होने लगती है और शरीर में अपशिष्ट उत्पादों की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसा तब होता है जब हमारी किडनी के फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन्स क्षतिग्रस्त होने लग जाते हैं। किडनी जब इस स्थिति में आ जाती है तो इस स्थिति को किडनी खराब होना या क्रॉनिक किडनी डिजीज कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि किडनी एकदम खराब हो जाती है और ना ही ऐसा होता है कि किडनी खराब होने के बारे में पता ही नहीं चलता। जैसे कि अगर आपको बुखार आता है तो आपका शरीर गर्म होने लगता है, ठीक इसी तरह से किडनी खराब होने पर भी रोगी को इसके कई संकेत नजर आते हैं, जिन्हें पहचान कर वो किडनी खराब होने के बारे में बड़े आराम से जान सकते हैं। कुछ लोग इस बारे में पहले से ही जानते होंगे कि किडनी खराब होने पर क्या क्या संकेत आते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि इस बारे में नहीं जानते कि किडनी खराब होने पर इसके कैसे संकेत नजर आते हैं। तो चलिए, जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता तो वो लोग इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के जानते हैं किडनी खराब होने पर दिखाई देने वाला पहला संकेत। अगर आपको पेशाब करते समय मूत्र नलिका में जलन के साथ तेज दर्द होता है तो यह मूत्रपथ संक्रमण और किडनी खराब होने का सबसे बड़ा और सबसे सटीक संकेत है। अगर आपको यह समस्या हो रही है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में इस बारे में जानकारी दें, हमारे डॉक्टर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह छोटी मोटी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। कुछ उल्टा सीधा खाने से, पेट खराब होने से या फिर शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ने से अक्सर बार बार उल्टियां आने की समस्या हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये सभी समस्याएं नहीं हो रही पर बावजूद इसके आपको बार बार उल्टियां आ रही हैं, तो आपको एक बार किडनी की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार उल्टियां आना किडनी खराब होने का सबसे बड़ा संकेत है। इस दौरान आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर सूजन यानी स्वेलिंग आने में और किडनी खराब होने में क्या संबंध है। तो दोस्तों,
अगर आपको कोई चोट नहीं लगी है या आपको किसी कीड़े ने नहीं काटा है और फिर भी आपके शरीर में अचानक से सूजन आने लगी है और सूजन लगातार बढ़ती जा रही है, तो सावधान और सतर्क दोनों हो जाइए, क्योंकि ये किडनी खराब होने की वजह से आई सूजन है। दरअसल जब किडनी काम करना बंद कर देती है या फिर कम कर देती है तो शरीर में कई तरह से टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। इन टॉक्सिन्स में यूरिया और यूरिक एसिड सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से शरीर के कई हिस्सों में सूजन आने लगती है। किडनी खराब होने पर हाथों में, पैरों में, कमर के आसपास और चेहरे पर सूजन आ सकती है। काफी बार जब समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो किडनी रोगी के पूरे शरीर में ही सूजन आने लगती है। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आपको तुरंत ही हमसे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि इसे केवल आयुर्वेदिक दवाइयों से ही दूर किया जा सकता है। आपको बता दें, जब तक किडनी ठीक होना शुरू नहीं होती तब तक शरीर में आई सूजन से पूरी तरह से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। हाँ, कुछ तरीकों से सूजन में आराम मिल सकता है। हमने पहले इस बारे में एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है। आप उस वीडियो की मदद से लगभग हर तरह की सूजन से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर किडनी खराब होने का संकेत कैसे है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे होंगे, तो ऐसे लोग सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर को काबू करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपकी किडनी खराब हो सकती है। अब आप कहेंगे कि पहले तो मैं कह रहा था कि ब्लड प्रेशर किडनी खराब होने का संकेत है और अब कह रहा हूं कि इससे किडनी खराब हो सकती है। तो आपको बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी खराब होने का संकेत और कारण दोनों ही है। दरअसल जब कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से जूझता है तो इससे उसकी किडनी के फिल्टर डैमेज होने लगते हैं। वहीं जब किडनी खराब होती है तो ब्लड में काफी टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। इसमें सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा हाई होता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हाई रहने लग गया है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि किडनी खराब होने की वजह से बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आता जब तक किडनी ठीक होना शुरू नहीं होती। चलिए अब जानते हैं आखिर झागदार पेशाब आना किडनी खराब होने की ओर कैसे संकेत करता है। तो दोस्तों, हमारी किडनी ब्लड को साफ करते हुए उसमें प्रोटीन को मिला देती है, जिससे प्रोटीन पूरे शरीर में जाता है और अपना काम करता है। लेकिन जब किडनी खराब हो जाती है तो वो अपने इस काम को ठीक से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से प्रोटीन पेशाब के जरिए शरीर से बाहर जाने लगता है और फिर रोगी को झागदार पेशाब आने लगता है। झागदार पेशाब तब भी आ सकता है जब कोई इंसान ज्यादा प्रोटीन लेने लगे, और ऐसा तकरीबन उन लोगों के साथ होता है जो कि ज्यादा नॉन वेज खाते हैं या फिर जिम जाने के दौरान ज्यादा प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं। खैर, जो भी हो, दोनों ही सूरतों में नुकसान किडनी को ही होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किडनी खराब होने पर बस पेशाब से जुड़ी यही समस्याएं होती हैं। इसके अलावा भी पेशाब से जुड़ी और भी कई समस्याएं होती हैं, जिसमें पेशाब का रंग बदलना, पेशाब करते हुए खून आना, पेशाब की मात्रा कम या ज्यादा होना और पेशाब से तेज बदबू आना, ये सभी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अगर आपको पेशाब से जुड़ी ये सभी समस्याएं हो रही हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि पेशाब से जुड़ी ये समस्याएं साफ साफ किडनी खराब होने की ओर संकेत कर रही हैं। तो दोस्तों, आखिर में बात करते हैं डायबिटीज के बारे में।
दोस्तों, अगर आप डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं और आपका शुगर लेवल अचानक से बढ़ने लगा है, जो कि दवाइयां लेने से, इंसुलिन लेने से और यहां तक कि डाइट की मदद से काबू में नहीं आ रहा, तो ये साफ साफ किडनी खराब होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। आपको तुरंत हमसे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि केवल आयुर्वेदिक दवाइयों से ही खराब हुई किडनी को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ खास संकेत जो किडनी खराब होने के दौरान दिखाई देते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आपके और आपके परिवार पर भारी पड़ सकता है, जिन्हें नजरअंदाज करना आपको और आपके परिवार को भारी पड़ सकता है। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो तुरंत अपनी समस्या कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ साझा करें। हमारे डॉक्टर आपसे 24 घंटे के अंदर संपर्क करेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस की खास वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।